आज के इस वीडियो में हम बड़ों के लिए बहुत ही प्यारी सी डिजाइन वाली वुलन कैप बनाकर तैयार करेंगे। इस कैप के लिए हमने बॉर्डर बनाकर तैयार कर लिया है। एक उल्टा और एक सीधा फंदा से हमने ये बॉर्डर बनाकर तैयार करा है। तो सिलाई में हमने 130 फंदे डालकर ये बॉर्डर हमने बनाकर तैयार करा है। बॉर्डर बनाने में हमने यहाँ पर 12 नंबर सिलाई का यूज किया है और बॉर्डर की तैयार चौड़ाई हमारे पास है 2 इंच। अगर आप बॉर्डर 1.5 इंच चौड़ा रखना चाहें तो 1.5 इंच चौड़ा भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ा ये बॉर्डर रखा है। 12 नंबर सिलाई से हमने बॉर्डर बनाया है और 10 नंबर सिलाई से अब हम कैप की डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से तो यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस कैप को बनाने के लिए हम ओसवाल की बेबी वूल का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हम डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये सीधा साइड है हमारी कैप का इस साइड से। तो यहाँ से पहला फंदा तो हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं और नेक्स्ट फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो 10 नंबर सिलाई से हम यहाँ से बुन रहे हैं इसे। एक फंदा हमने उल्टा बुना, नेक्स्ट फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे। अब इससे जो नेक्स्ट फंदा है इसे हमें सीधा बुनना है। तो इसे हम सबसे पहले यहां से फ्रंट साइड से हम इसे सीधा बुनेंगे। तो इस साइड से ये फ्रंट लूप है और इस साइड से यहां से ये बैक लूप है। तो फ्रंट साइड से हमें इसे एक बार सीधा बुनना है। अब इस फंदे को हमने इस सिलाई से निकाला नहीं है, सेम इसी फंदे को हम बैक साइड से यहां से एक बार और बुनेंगे और अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक फंदे को ही हमने 2 बार बुना है, एक बार हमने फ्रंट साइड से सीधा बुना है और एक बार हमने बैक साइड से सीधा बुना है। तो यहाँ पर हमने एक फंदे के 2 फंदे बना लिए हैं। सीधे साइड से ऐसे ही बनाना है, फिर बाद में हम इसे उल्टे साइड से फिर से घटा लेंगे। तो इतना बनाने के बाद में हम धागे को आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से फिर से हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये हमने बुना एक फंदा, नेक्स्ट फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे। ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब फिर से इसे हमें रिपीट करना है। फिर से इस फंदे को हम फ्रंट साइड से सीधा बुनेंगे इस तरह से, सेम इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से भी इस साइड से सीधा बुनेंगे इस तरह से। फिर से धागे को आगे की तरफ करेंगे और नेक्स्ट 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ये 1 और ये 2। फिर से इसी फंदे को हमें, नेक्स्ट फंदे को हमें इस तरह से बुनना है। फिर से इस साइड से भी सीधा बुनेंगे, फिर धागे को आगे की तरफ करेंगे। तो यही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करनी है। तो यहाँ तक कि सारे फंदे हमें ऐसे ही बुन लेने हैं। देखिए हम आपको बिल्कुल पास से दिखा देते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ से फिर से नेक्स्ट फंदे 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। देखिए इस तरह से हमें बुनना है। ये फंदा हमने बुना, एक फंदा हमने उल्टा बुना, इसके बाद में हम बुनेंगे नेक्स्ट फंदा भी हमें उल्टा बुनना है इस तरह से। और अब हम धागे को पीछे की तरफ करेंगे और नेक्स्ट फंदे को हमें इस तरह से सीधा बुनना है। यहाँ से ये बुना, अब इसी फंदे को हम बैक साइड से एक बार और सीधा बुनेंगे इस तरह से। फिर से हम धागे को आगे की तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये 1 और ये 2। फिर से धागे को पीछे की तरफ करेंगे और नेक्स्ट फंदे को हम बुनेंगे सीधा, एक बार और सीधा बुनेंगे इसे बैक साइड से। धागे को आगे की तरफ करेंगे। तो इसी डिजाइन को हमें बार बार रिपीट करना है। देखिए हमने इसे यहां तक बुन लिया है। ये वाला फंदा है, इसे हम इस साइड से सीधा बुनेंगे और यहाँ से सीधा बुनेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे। अब आखिर में हमारे पास यहाँ पर ये 3 फंदे हमारे पास बचे हैं। तो यहाँ से 2 फंदे तो हम यहाँ पर उल्टे बुन लेते हैं इस तरह से और ये आखिरी का फंदा हम सीधा बुन लेते हैं। तो ये सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली है।
और अब ये 12 नंबर सिलाई हम हटा देते हैं और यहाँ से हम 10 नंबर सिलाई से ही हम बुनेंगे। तो ये डिजाइन जो है वो हमें 10 नंबर सिलाई से बनाकर कंप्लीट करनी है। तो अब हम कैप के उल्टे साइड हम आ गए हैं, तो इस साइड से हमें ये जो पहला फंदा है ये हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं, और यहां से ये दो फंदे हमने सीधे साइड से, इस साइड से हमने उल्टे बुने थे, इस साइड से उल्टे बुने थे ये दो फंदे हमने, तो इस साइड से ये फंदे हमारे पास सीधे हैं। यहां से देखेंगे तो फंदे हमें सीधे दिखाई देंगे, तो ये दो फंदे हमें सीधे बुनने हैं। तो अब यहां से धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे और ये दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो यहां से फ्रंट लूप से इस तरह से हमें सीधे बुनना है, एक फंदा हमने बुन लिया और ये हमने बुन लिया दूसरा फंदा, दो फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। और अब धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और अब यहां से नेक्स्ट जो दो फंदे हैं ये वाले, ये दो फंदे हमने इस साइड से, एक फंदे से हमने दो फंदे बनाए थे सीधे साइड से, ये हमने एक फंदा दो बार हमने बुना था सीधी तरफ से, बार फ्रंट साइड से बार बैक साइड से, तो ये दो फंदे हो गए थे। तो अब बैक साइड से हम, ये उल्टा साइड है कैप का, तो इस साइड से दो फंदे हमें दो का एक करना है, तो यहां पर ये दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, एक साथ बुनना है, ये दोनों फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से, ये दोनों फंदे। तो यहां पर हमने जो फंदा बढ़ाया था हमने सीधे साइड से, उल्टे साइड से हमने उसे वापस से घटा लिया है, तो इसी तरह से बुनते जाएंगे तो हमारे पास फंदे वापस से वैसे आ जाएंगे जैसे कि स्टार्टिंग में थे। अब नेक्स्ट दो फंदे हमें सीधे बुने हैं, तो यहां पर ये सीधे फंदे हैं, तो ये हमने ये एक और ये दो, दो फंदे हमने सीधे बुने। अब धागे को आगे की तरफ करेंगे और यहां से फिर से ये दो फंदे हैं इनको हम एक साथ बुनेंगे, दो का हमें एक करना है, ये दोनों फंदे हम एक साथ बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे इस दोनों फंदों को, तो ये हमने दो का एक कर लिया। फिर से धागे को पीछे की तरफ करेंगे और नेक्स्ट दो फंदे हमें सीधे बुनने हैं, फिर धागे को आगे की तरफ करेंगे और दो का एक करेंगे, दो का एक करेंगे इन फंदों को और उल्टा बुनेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें ये सिलाई हमें कंप्लीट करनी है यहां तक। देखिए हमने इसे यहां तक बुन लिया है और आगे देखिए ये दो फंदे हमने सीधे बुने और ये वाला फंदा भी हम सीधा ही बुन लेते हैं आखिरी फंदा। तो ये हमने सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से सीधे साइड आ गए हैं, हमारे कैप का सीधा साइड है, तो इस साइड से अब हमें ये सारे फंदे सीधे सीधे ही बुनने हैं। तो यहां से ये पहला फंदा हम उतार लेते हैं बिना बुने ऐसे ही, धागे को हम करेंगे पीछे की तरफ और सारे फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं। तो इस तरह से हमें सारे फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से सारे फंदे सीधे बुनते हुए हमें ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है। तो यहां पर फर्स्ट रो जो बनाई थी हमने, उसमें हमने पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लिया था, फिर दो फंदे हमने उल्टे बुने थे और फिर जो तीसरा फंदा था उसको हमने सीधा बुना था, पहले फ्रंट साइड से और फिर बैक साइड से। उसके बाद में हमने सेकंड रो बनाई है उल्टे साइड से, इस साइड से बनाई है हमने। तो यहां से हमने जो फंदा सीधा था उसको हमने, दो फंदे जो सीधे थे उनको हमने सीधा बुना और फिर नेक्स्ट जो दो फंदे थे उनको हमने एक साथ बुना उल्टा। तो इस तरह से बुनते हुए हमने सेकंड रो कंप्लीट करी। अभी हमारी थर्ड रो है सीधे साइड से, तो इस साइड से हम सारे फंदे सीधे सीधे ही बुनते जाएंगे। ये हमने सारी सिलाई के फंदे सीधे बुन लिए हैं, तो ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। और अब हम फिर से उल्टे साइड आ गए हैं कैप के, तो इस साइड से हम ये सारे फंदे हम उल्टे ही बुन लेते हैं। तो ये हमारी फोर्थ रो है, तो सारे फंदे हमें उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करना है। यहाँ से पहला फंदा हम बिना बुने से ही उतार लेते हैं और अब यहाँ से सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बुनते जाएंगे। तो इस तरह से बुनते हुए हम ये फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो
ये हमने फोर रोज हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये डिजाइन बन गई है। तो जैसे हमने यहाँ पर ये फोर रोज बनाई है, उसी तरह से हमें आगे बार बार हमें रिपीट करते जाना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट रो बनाई थी, वो यहाँ से हम फिर से बनाएंगे, फिर सेकंड बनाएंगे, फिर थर्ड और फिर फोर्थ रो बनाकर कंप्लीट करेंगे और इसे हम फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से इसकी लेंथ हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये हमने 7.5 इंच लेंथ तक हमने इसको बुन लिया है। बॉर्डर सहित हमारी लेंथ यहाँ तक 7.5 इंच है और ये हमारा कैप का सीधा साइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की डिजाइन बन गई है और ये हमारी कैप का उल्टा साइड है। तो अब यहाँ से हम डिक्रीज राउंड स्टार्ट करेंगे, उल्टे साइड से हम यहाँ से डिक्रीज राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो उल्टे साइड से हम सारे फंदे उल्टे ही बुनेंगे। यहाँ से हम 10 फंदे बुन लेते हैं। तो पहला फंदा हमने बिना बुने से ही उतार लिया है यहाँ पर, इसको भी हम काउंट करेंगे। तो ये एक फंदा हो गया, ये दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। 10 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए हैं। 10 फंदे बुनने के बाद में हम यहाँ से फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पर दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे, जिससे कि एक फंदा यहाँ पर हमारा कम हो जाएगा। तो ये एक फंदा और ये दूसरा फंदा, दोनों को हम एक साथ बुनेंगे तो यहाँ पर हमारा एक फंदा घट जाएगा। अब यहां से फिर से हम इसी तरह से 10 फंदे बुनेंगे, उल्टे उल्टे ही 10 फंदे बुनेंगे। उसके बाद में 11वां और 12वां फंदा हम एक साथ बुनेंगे, फिर 10 फंदे बुनेंगे, फिर 11 और 12वां फंदा हम एक साथ बुनेंगे। ऐसे ही बुनते हुए हम ये सिलाई यहां तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहां तक की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधे साइड आ गए हैं, तो इस साइड से हम सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनते हुए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। सीधे साइड से हमें यहाँ से फंदे घटाने नहीं हैं, जितने हैं उतने ही हमें बुन लेने हैं, लेकिन सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। तो पहला फंदा हमने उतार लिया बिना बुने, ऐसे ही धागे को हम पीछे करेंगे और अब यहाँ से सारे फंदे हम सीधे ही बुन लेते हैं। तो यहाँ से फ्रंट लूप से ही हम ये फंदे सीधे बुन रहे हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से हम सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। इस तरह से बुनते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई भी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है सीधे फंदे बुनते हुए। अब फिर से हम उल्टे साइड आ गए हैं, तो इस साइड से अब हमें फिर से फंदे घटाने हैं। तो पहले हमने 10 फंदे बुने थे, तो इस बार हम 9 फंदे ही बुनेंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेते हैं, इसको भी काउंट करेंगे। तो ये एक फंदा हो गया, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये 9। इस बार हमने 9 फंदे बुने और अब यहाँ से 10वां और 11वां जो नेक्स्ट दो फंदे हैं, इन दोनों को हम एक साथ बुनेंगे, जिससे कि एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम 9 फंदे बुनेंगे उल्टे उल्टे ही, फिर 10वां और 11वां फंदा एक साथ बुनेंगे, फिर 9 फंदे बुनेंगे, फिर 10वां और 11वां फंदा एक साथ बुनेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हम ये सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में फिर से हम सीधे साइड आ जाएंगे। तो इस साइड से फिर से हम उसी तरह से सारे फंदे सीधे सीधे बुनते हुए सिलाई कंप्लीट करेंगे। फिर हम इस साइड आ जाएंगे, तो इस बार हम फिर 8 फंदे बुनेंगे और 9वां और 10वां फंदा एक साथ बुन लेंगे। तो इसी तरह से घटाते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। तो देखिए हमने यहाँ तक फंदे घटा लिए हैं और अब हमारे पास सिलाई में यहाँ पर बहुत ही कम फंदे हमारे पास बचे हैं। तो ये फंदे हमने घटा लिए हैं, ये उल्टा साइड है और ये इधर से सीधा साइड है कैप का। तो और ये धागा भी हमने यहाँ से कट कर लिया है, थोड़ा सा लंबा धागा हमने कट कराया क्योंकि हमें इसे सिलाई लगाकर बंद भी करना है। तो अब यहाँ से इस धागे को हम सुई में पिरो लेते हैं क्योंकि अब हमें यहाँ से सिलाई लगाकर कैप को बंद करना है।
अब हमारे पास सिलाई में ये जो फंदे हैं, ये सारे फंदे हम सुई में ले लेते हैं। तो देखिए सारे फंदे हमने सुई में ले लिए हैं। यहां से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। तो यहां से हम सुई को एक बार और निकाल लेते हैं, जिससे कि यहां पर ये सिलाई अच्छी तरह से लग जाए। इन सारे फंदों से हम एक बार और निकाल लेते हैं सुई को इस तरह से। तो ये राइट साइड है और ये है उल्टा साइड। तो उल्टे साइड को हम बाहर की तरफ करेंगे, सीधे साइड को हम अंदर की तरफ कर लेते हैं। और यहाँ से इस धागे को खींच के अच्छे से टाइट कर देंगे। देखिए यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से बंद हो गया है। और अब साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगा कर इसे बंद कर देते हैं। तो देखिए साइड से सिलाई किस तरह से लगानी है। एक स्टिच हम इस साइड से लेंगे और एक स्टिच हम इस साइड से लेंगे, और ऐसे हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए एक स्टिच इस साइड से और एक स्टिच इस साइड से। अब यहां से हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में और इस साइड से भी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में किस तरह से, और ऐसे हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे सिलाई लगाते हुए हम यहां तक इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इस पर यहां तक सिलाई लगा ली है, और अब इस धागे को हम बुनाई में ही दबाएंगे यहां से। तो इस तरह से ऊपर की तरफ इस पर सिलाई लगाएंगे, और अब फिर से साइड सिलाई लगाएंगे, और यहां से हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देते हैं। ये जो धागा है इसको भी हम यहाँ पर बुनाई में ही दबा लेते हैं। तो देखिए इस धागे को भी हमने दबा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, और अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। तो ये हमारी कैप का हो गया राइट साइड। तो बड़ों के लिए ये कैप बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। तो राइट साइड से आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारे आज की वुलन कैप का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में जरूर क्लिक कीजिएगा।